हेलो हाय नमस्ते, आप सबको स्वागत करते हैं फूडी सिस्टर 3 के इस नए वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडो चाइनीज क्विजिन एग फ्राइड राइस। हम बिल्कुल चाइनीज रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको बनाएंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए टेस्टी एंड क्विक एग फ्राइड राइस बनाते हैं। अब हम अंडे की भुर्जी बना लेंगे। यहाँ पे हमने पैन में 50 ग्राम बटर को गरम कर लिया है। जब हम अंडा डालेंगे तो गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे। यहाँ पे हमने 10 अंडे लिए हैं, उसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल के उसको पैन में डाल देना है और इसको अच्छे से भून लेना है। ये भुर्जी अब बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। यहाँ पे हमने चावल को कुक करके रख लिया है। हमेशा लॉन्ग ग्रेन चावल ही यूज करना है। और यहाँ पे हमने चावल में नमक और तेल डाल के इसको कुक कर लिया है। चावल को 80% तक कुक करना है। अब हम वेजिटेबल का प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है कैरेट, कैबेज, ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक। जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली को फाइनली चॉप करना है। हमें कैप्सिकम और ऑनियन को स्लाइस्ड में चॉप करना है। बीन्स को फाइनली चॉप करना है। अब हम एक बड़े पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें सारे गार्लिक को डाल के उसको थोड़ी देर के लिए भुनना है। फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर और ग्रीन चिली। इस सबको अच्छे से भून लेना है। जब गार्लिक ब्राउन कलर हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। हमें ऑनियन को थोड़ी देर के लिए भुनना है। ऑनियन को ब्राउन कलर नहीं करना है। ऑनियन जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हमारा वेजिटेबल्स। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें बीन्स और कैरेट को डाल के उसको हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और कैबेज को डाल के सारे वेजिटेबल को एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम वेजिटेबल में नमक डालेंगे। नमक आप वेजिटेबल के हिसाब से ही डालना, क्योंकि पहले से ही हमने राइस और स्क्रम्बल्ड एग में नमक डाल रखा है। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक भुनना है। वेजिटेबल्स जब 80% कुक हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे स्क्रम्बल्ड एग्स। एग और वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हो वेजिटेबल और एग्स कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे प्री कुक्ड राइस। राइस को हमें अच्छे से चारों तरफ फैला देना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसको ऐड करके हमें तुरंत ही इसको अच्छे से भून लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन डालकर इसको मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा एग फ्राइड राइस हमारा रेडी हो गया है। इसमें कितना अच्छा वेजिटेबल्स का कलर भी आ गया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्द बन भी जाता है। अगर आपको हमारी ये एग फ्राइड राइस वाली रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।